तो हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं। हमें क्वेश्चन है हमारे पास पहला, फाइंड जी ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी हमें वन का जी ट्रांसफॉर्म निकालना है, एंड हेंस फाइंड जी ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस। हमें एक एक कांस्टेंट सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें वो फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड करना है, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिटी, और उसका इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट के। तो जब हम बात करते हैं जी ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ, हम इसको बोलते हैं वन, यानी ये हो गया जी ट्रांसफॉर्म को हमें ध्यान में रखना है। जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हो तो उसको हम क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी यानी कैपिटल जेड से, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है। तो इस केस में हम जब बाय डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म, तो हमारे पास क्या था, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन, है ना। ये हमारे पास क्या था, जी ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन था। तो अब हमें यहाँ पे जी ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, वन का। तो यानी हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एन है वो क्या हो जाएगा, वन। यानी सीक्वेंस जो ये एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो हम लोग जब जी ट्रांसफॉर्म ऑफ वन निकालेंगे तो आप एन के जगह पे, यानी एफ ऑफ एन के जगह पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, किसका किसका, वन का। यानी एन इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी वन इंटू जेड टू दावर माइनस एन, ठीक है। अब हमें ये चीज ध्यान में होगा कि हम लोग जब डिस्क्रीट फंक्शन यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, समेशन, और जब हम लोग कंटिन्यूस यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग जब जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक ऐसा फंक्शन है, डिस्क्रीट फंक्शन होते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, समेशन का साइन। तो एन इक्वल्स टू जीरो से लेके हमें इन्फिनिटी तक लेके जाना है वैल्यू को, वन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। अब अगर मैं इसकी वैल्यूज को पुट करता हूं, ठीक है, हम अगर वैल्यू पुट करते हैं तो वन कॉन्स्टेंट है, वन मल्टीप्लाई हो गया, जेड टू द पावर माइनस एन ही आ रहा है। अब एन की पावर आप एक एक बार वैल्यूज को चेंज करते जाओ, जैसे एन एक बार जीरो आया तो जेड टू द पावर जीरो यानी आपके पास वन ही रहेगा, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास वन, जेड टू द पावर माइनस जीरो इज वन, प्लस जेड टू द पावर माइनस वन, प्लस जेड टू द पावर माइनस टू, प्लस जेड टू द पावर माइनस थ्री, प्लस जेड टू द पावर माइनस फोर, प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही कहां तक जाएगा ये, इंफिनिटी तक। तो हम इस सीक्वेंस को ऐसा लिख सकते हैं, वन प्लस वन बाय जी प्लस वन बाय जी स्क्वायर प्लस वन बाय जी क्यूब प्लस वन बाय जी टू द पावर फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब अगर हमें थोड़ा सा ध्यान होगा, हम बायनोमियल एक्सपेंशंस वगैरह में करते थे, जब सीरीज निकालते थे स्पेशल सीरीज वगैरह, तो हमें वहां पे पता था हमारे पास क्या होता है, वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन। अगर हम इस सीक्वेंस का, इसका हम सीरीज देखेंगे, सॉरी, वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन, बट इसका सीरीज हम जब देखते हैं तो ये क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्स इज लेस देन वन, ये हमारे पास कंडीशन होता है। और इस सीरीज को जब हम एक्सपेंड करते हैं वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन, तो इसका एक्सपेंशन होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो अब अगर हम इस सीक्वेंस में अगर हम देखते हैं, हम अगर इसको कंपेयर करते हैं यहां से, तो मेरे पास एक्स की जगह क्या है, वन बाय जेड, वन बाय जी, है ना। तो अब हम लोग इसको, यानी इस कंडीशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वन माइनस वन बाय जेड टू द पावर माइनस वन, ठीक है। हम यानी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ हमारे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है हमारे पास, वन माइनस वन बाय जेड टू द पावर माइनस वन। मैंने सिर्फ इस सीरीज को क्या क्या कन्वर्ट किया इसमें, है ना, एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया, वन बाय जेड, एक्स स्क्वायर की जगह वन बाय जेड स्क्वायर यानी वन बाय जेड हम ले सकते हैं, वन बाय जेड क्यूब यानी वन बाय जेड का होल क्यूब, तो यानी हमारे पास एक्स क्या आ रहा है, वन बाय जेड, ठीक है। अब अगर वन बाय जेड आ गया तो इसको और अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वन अपॉन वन माइनस वन बाय जेड, ठीक है। और इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो क्या आ गया, वन अपॉन जेड माइनस वन, जेड माइनस वन अपॉन जेड, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया आपके पास जेड अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आया, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ
जी ट्रांसफॉर्म ऑफ वन जो है ये क्या आ रहा है हमारे पास, जेड अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है। और अगर हम लोग इसी में इनवर्स अगर हम देखेंगे, मान लेता हमारे जब इनवर्स निकालेंगे हम तब देखेंगे, बट डेफिनेशन के हिसाब से जब जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन आया मेरे पास क्या है, जेड अपॉन जेड माइनस वन, तो हम बोल सकते हैं देन जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस वन इज इक्वल्स टू व्हाट, वन, ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ एन, है ना। तो हम लोग ये इनवर्स में देखेंगे, बट अभी फिलहाल हम लोगों ने देखा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है। तो हमें किसका निकल गया, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिटी निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, एंड हेंस, जब हमें ये पता चल गया तो एंड हेंस फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस के, यानी कि हमारे पास सीक्वेंस है तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, देयर फॉर हमें फाइंड करना है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के, ठीक है। और सिंस के क्या आपका कांस्टेंट सीक्वेंस, तो हमारे पास के बाहर आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, ठीक है। तो यानी के जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या आया हमारे पास, जेड अपॉन जेड माइनस वन, यानी क्या आ गया, के जेड अपॉन जेड माइनस वन, ये आया आपका जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है हमने क्या किया, यही स्टेप्स हमें थ्रू आउट हमेशा फॉलो करना है जब भी हम लोग प्रूफ करेंगे किसी चीज का। तो डेफिनेशन हमें जेड ट्रांसफॉर्म निकालना था वन, तो हमने अपने डेफिनेशन के हिसाब से देखा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन क्या होता है, समेशन एन इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन। तो मैंने एफ ऑफ एन की जगह जो सीक्वेंस है मेरा वो क्या है अपने पास अभी वन, ठीक है। तो हमने एफ ऑफ एन की जगह वन पुट कर दिया जेड टू द पावर माइनस एन, ठीक है, आपका वन मल्टीप्लाई हो गया इससे। तो ये नहीं, इस जगह पे अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एन की वैल्यू एक बार जीरो पुट करेंगे, एक बार वन टू थ्री फोर कहां तक, इन्फिनिटी तक पुट करेंगे, हमने पुट कर दिया है जेड टू द पावर जीरो के आगे अपने पास वन प्लस जेड टू द पावर माइनस वन, जेड टू द पावर माइनस टू, जेड टू द पावर माइनस थ्री, ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो अब हमें एक एक्सपेंशन पता था स्पेशल सीरीज में हमें कि 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस वन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर फोर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इस केस में हम लोग जब इसको कंपेयर किए तो हमारे पास यहां से आ गया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इक्वल्स टू वन माइनस वन बाय जेड टू दी पावर माइनस वन, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे यहां से हमारे पास क्या आ रहा है जेड अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है। ये किसका आ गया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन आ गया, और हमें उसके बाद पूछा था जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस के, सिंस के क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो वो हमारे पास बाहर आ गया, बाहर हमने लिख लिया, या अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन। और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अभी आपने फाइंड किया है, क्या है वो जेड अपॉन जेड माइनस वन, तो हमने लिख दिया तो वो क्या आ गया हमारे पास के जेड अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे इस जेड ट्रांसफॉर्म के, और उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके फिर हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।